हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसी शाही पनीर की रेसिपी घर पे। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसके साथ बनाएंगे आटे की तंदूरी रोटी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल जालीदार और फूली फूली एकदम झटपट बनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाया है देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूबीज किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आज की रेसिपी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे ताजे ताजे पनीर जो हमने घर में बनाया हुआ है। ये पनीर की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई है, पहले भी मेरे चैनल पे है पनीर। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी के पनीर कैसे फाड़ते हैं तो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पनीर को ले लिया है और इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। तो आप चाहे आप जैसे भी पीसेस अपना काटना चाहे काट सकते हैं। मैंने देखिए सिंपल पीसेस भी कट की है और इस तरीके से भी पीसेस कट की है। तो आप लोगों को जैसे पीसेस अच्छा लगे वैसे काट लीजिए। मैं देखिए इस तरीके से भी त्रिकोण वाला भी कट की हूँ और सिंपल भी। तो आप लोगों को इसमें से जो भी पीसेस अच्छा लगेगा उस साइज का काट लीजिएगा। और देखिए मैंने सारा पनीर कट करके निकाल लिया है। अब चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज टमाटर लहसुन। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, और जो मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी लिया है इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई में डाल के इसे करना है थोड़ी सी इसे भून देना है। तो मैं इसे थोड़ी सी भून देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी नमक। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स, थोड़ी सी भूनना है जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इधर ये सॉफ्ट हो चुकी है, इसको निकाल के ठंडा होने देंगे। तब तक इधर हम पनीर तल रहे हैं और उधर हमारा जो मसाले हैं वो भी ठंडे हो रहे हैं। इधर हम पनीर तल के निकाल रहे हैं और बाबू इधर मसाले पीस रहे हैं। तो प्याज और लहसुन जो भी रखे थे वो बाबू पीस दिए। और इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और आप लोग देख सकते हैं गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च, सब डाल दिए। थोड़ी सी पानी धो के डाल दिए और इसको मिला देंगे। और यहाँ पे मेथी, जीरा, सरसों सब ली थी, उसके बाद डाल के तेजपत्ता डाल के मसाला डाल दी। मसाला को अच्छी तरीके से भुनेंगे, पानी थोड़ी सी डाल देंगे इसलिए कि मसाले हमारे जले नहीं, और अच्छी तरीके से इसको चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे मसाले को थोड़ी सी ढक रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मसाले उड़ रहे थे इसलिए और छींटे आ रहे थे। और मैं नमक भी डाल के इसमें अच्छी तरीके से भून दूंगी इसे। तो इसे देखिए आप लोग, तेल छोड़ने लगा है, मसाला जो है हमारा तेल छोड़ने लगा है। तो इसको अब हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भूनने लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम लोग पानी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर दही मलाई का भी यूज कर सकते हैं, या फिर पनीर को भी पीस कर डाल सकते हैं। तो मैंने दही का यूज नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बेटा जो है खाता नहीं है, इसलिए मैंने उन्हीं के डिमांड पे बनाया हुआ था। तो बोल रहे हैं कि दही मत डालिए मम्मी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे ताजी मलाई या फिर दही या फिर पनीर को भी पीस कर ले सकते हैं। मैं पनीर को पीस कर डालती हूँ, लेकिन आज बोले हैं बेटा जी कि मम्मी मत डालिए, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और वहाँ पर मैंने काजू का इस्तेमाल किया हुआ था मसाले में, आप लोगों ने देखा ही होगा पहले वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के अच्छी तरीके से इसे उबाल करने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी ये उबाल हो जाए उसके बाद इसको भी डाल देंगे, थोड़ी सी हल्के फुल्के गर्म हो जाए उसके बाद डाल देंगे अपना पनीर। और उसके बाद पनीर डाल के थोड़ी सी इसी को धो के मैंने प्लेट को पानी डाल दी कि जो भी हमारा तेल इसमें लगा हुआ है एक्स्ट्रा तेल सारा पानी में आ जाएगा, सब्जी में सारा तेल निकल जाएगा और पानी भी डल जाएगा इसमें, इसलिए मैंने डाल दिया। और इसको अच्छी तरीके से मिलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे मिला दिया है और इसे रख देते हैं अब हम लोग ढककर। तो मैंने अच्छे से मिला दिया है, थोड़ी देर इसे पकाएंगे, उसके बाद उबाल आ जाएगा, फिर हो जाएगा। आपको जितना अपना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से रख लीजिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये थोड़ी थोड़ी उबाल होने लगी है, थोड़ी सी ढक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हमारी रेडी हो चुकी है। तो बाबू ने बोला था कि मम्मी थोड़ी सी तासा वाली हमें चाहिए, ज़्यादा मतलब लटपटी नहीं करनी है, मतलब सिंपल ही रखना है। तो इस तरीके से मैंने किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से थोड़ी सी मैंने मलाई डाली हुई है, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि वो खाते नहीं हैं, फिर से देखेंगे तो रोने लगेंगे, इसलिए थोड़ी सी मैंने डाली है। आप लोग चाहे तो मसाला भूनते समय भी डाल सकते हैं। और इधर हमारी पनीर तैयार हो चुकी है। इधर मैं बना रही थी नान रोटी, तो नान रोटी की रेसिपी फुल नहीं दिखाई हूँ फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे नान और बटूरा ये सब का रेसिपी दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो इधर मैंने मंगरेल और कस्तूरी मेथी डाल के इसको बेल दिया था, और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पानी, और पानी लगा के इसको तवे पे डाल देंगे। तवा हमारा गरम है, मीडियम गरम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये आटे की नान है हमारी, धनिया पत्ता नहीं था इसलिए मैंने धनिया पत्ता नहीं है डाला है। आपके पास धनिया पत्ता है तो ऊपर में धनिया पत्ता डालिएगा, और इस तरीके से उसको सेक देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सेक दिया है हमने, आप चाहे तो ऊपर से भी घी लगा दें या फिर उतार कर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे घी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से तवे पे ही घी लगा दी हूँ, और देखिए अब बस ये हो चुका है, मैंने इसे निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना जलीदार हमारा जो नान रोटी है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब लगा लेते हैं थाली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लगा रहे हैं थाली, तो देखिए बिल्कुल लटपटी छटपटी हमारी सब्जी जो है बन के रेडी हो चुकी है। ये पनीर की हमारी शाही पनीर, तो मैंने तल के ही बनाया है फ्रेंड्स शाही पनीर की रेसिपी, और जो नान रोटी है उसको भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी जलीदार बनी है, और हमारी यहाँ पर थाली तैयार हो गई। और लच्छा प्याज भी हमने रख दिया है, बहुत ही सिंपल थाली और रेडी हो चुकी है। आप इसे कोई भी गेस्ट आए तो इस तरीके से बनाइए, या फिर घर पर भी बना के खाइए, फेस्टिवल में भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है, और शाही पनीर की रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और वीडियो कैसे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बाबू लोग खा के टेस्ट करके बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा। शाही पनीर टेस्टी बना है, और आटे का तंदूरी, अरे बाप रे, जल्दी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपके पास जा सके। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।